देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 28 जनवरी 2022 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 12,911 नए मामले, मौतें 22 और 23,197 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 1,17,884 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,608 नए मामले आए हैं, 15,216 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 36 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 55,725 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 4,093 नए कोविड मामले, 7,423 रिकवरी और 48 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 36,941 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 5,770 नए कोरोना के मामले, 9,759 रिकवरी और 18 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 35,581 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 3,944 नए मामले सामने आए हैं, 2,444 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इस दौरान 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 39,520 हैं। नंबर छः, आसाम में कोरोना वायरस के 3,677 नए मामले सामने आए हैं, 4,545 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना वायरस की वजह से 20 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 36,522 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 38,083 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, 67,232 रिकवरी और 49 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 3,28,741 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में आज कोरोना वायरस के 2,439 नए मामले सामने आए हैं, 3,999 लोग ठीक हुए हैं और 13 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 31,322 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,515 नए मामले सामने आए हैं, 28,620 लोग ठीक हुए हैं और 53 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,13,534 है। नंबर 10, पांडुचेरी में आज 940 नए कोरोना के मामले आए हैं, 1 मौत और 1,486 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 15,751 है। नंबर 11, गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 955 नए मामले सामने हैं, 3,390 रिकवरी हुई हैं, 15 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। सक्रिय मामले 13,269 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,474 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 10,290 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 9 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 1,09,493 हैं। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,227 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 16,087 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 20 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 87,268 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 51,739 नए मामले सामने आए हैं, 42,653 लोग ठीक हुए हैं, 153 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,10,202 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,532 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 6 मौतें और 10,547 ठीक हुए। सक्रिय मामले 31,203 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 892 नए मामले सामने आए हैं, 2,719 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से 5 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 12,076 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,820 नए मामले सामने आए हैं और 2,618 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सक्रिय मामले 10,336 हैं। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 365 नए मामले सामने आए हैं, 347 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 3,760 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,034 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 3,308 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान 1 मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 10,322 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,901 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1,11,157 लोग डिस्चार्ज हुए, 8 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 59,223 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 310 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 783 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 6,631 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,425 नए मामले सामने हैं, 36,708 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना वायरस की वजह से 42 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 2,91,247 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 8,856 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 16,786 डिस्चार्ज और 19 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 72,393 हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,291 नए मामले सामने आए हैं, 9,397 रिकवरी हुई हैं और कोरोना से 34 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 33,175 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 455 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 431 लोग डिस्चार्ज हुए हैं
और एक की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 3,332 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 565 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,291 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 5,420 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 4,959 नए कोरोना के मामले, 6,264 रिकवरी और 7 मौतें दर्ज की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 46,657 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 288 नए मामले सामने हैं। इस दौरान 361 लोग डिस्चार्ज हुए, 6 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 2,415 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 2,064 नए मामले सामने हैं। इस दौरान 1,046 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 13,721 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य के आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।